क्लोजिंग रिसीवेबल आएंगे हमेशा एसओएपी में, और क्लोजिंग अलाउंस आएगा हमेशा, कौन सा आएगा, क्लोजिंग। अब पिछले साल का उसने में दिया अलाउंस 1 लाख हो, इस साल का बना ओपनिंग, हैवी साइड का टोटल करें 1 लाख, दूसरी तरफ लिखूंगा 1 लाख, तो बैलेंसिंग कितना आ रहा है, बैलेंसिंग आ रहा है 12,500 आ रहा है। और हमने क्या कहा था, अभी सीखा था कि अलाउंस का बैलेंसिंग हमेशा बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा, अलाउंस का क्लोजिंग हमेशा कहां जाएगा, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा। अब बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट इसको डेबिट कर रहा है तो खुद क्या होगा, खुद क्रेडिट होगा, किसकी वजह से, अलाउंस की वजह से। बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट इसको डेबिट कर रहा है तो खुद क्या होगा, क्रेडिट होगा अलाउंस की वजह से, कितने से, 12,500 से। एक बात हमने कंफर्म कर ली और भूलनी नहीं है, अलाउंस के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंपेयर करें, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो वो हमेशा कहां जाएगा, बैलेंसिंग बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में। इंक्रीज इन अलाउंस हमारा इधर आ रहा था, हमारे एक्सपेंस को बढ़ा रहा था, एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, डिक्रीज इन अलाउंस अब इधर आ गया। हम मजीद चेक कर लेते हैं कि पीएनएल में पहले जा रहा था, पीएनएल में भी जो हमने पहले कैलकुलेट किया था वो कितना था, जो हमने इससे पहले कैलकुलेशन की थी पीएनएल में, ले जी इधर आ जाए जी, छोड़ दे बस, हमारे पास ओपनिंग रिसीवेबल है 1 लाख और क्लोजिंग रिसीवेबल है हमारे पास 87,500 क्लोजिंग अलाउंस, तो हमारा अलाउंस डिक्रीज हो रहा है 12,500 से। तो हमने ये सीखा कि अलाउंस आपका जो बैलेंसिंग होगा वो हमेशा कहां जाएगा, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा। तो यहां अलाउंस हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हमने बैलेंसिंग अमाउंट 12,500 ले जाएंगे बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में। तो ये जो 12,500 है बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट, बैलेंसिंग आया तो बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट इसको डेबिट कर रहा है तो खुद क्रेडिट होगा। हैवी साइड का टोटल करेंगे 50,000, दूसरी तरफ लिखेंगे 50,000, तो जो हमारे पास बैलेंसिंग आ जाएगा वो आ जाएगा 37,500। और हमने अभी ये बात कंफर्म की थी कि बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंसिंग हमेशा पीएनएल में जाता है, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंसिंग हमेशा पीएनएल में जाता है। तो आपने पीएनएल चार्ज आपके पास आ जाएगा 37,500। तो इस बात से यह कंफर्म हुआ कि हमारे पास अलाउंस हमने पहले कैलकुलेट करना होता है, नॉर्मली वो हमें ओपनिंग अलाउंस दे देता है, अगर ना दे तो ओपनिंग रिसीवेबल पर ओपनिंग परसेंटेज अप्लाई कर दे, वो कह सकता है कि 2021 में ये परसेंटेज थी अलाउंस की, 2022 में ये है, तो हम ओपनिंग रिसीवेबल पर ओपनिंग अलाउंस ले लेंगे, क्लोजिंग रिसीवेबल पर क्लोजिंग अलाउंस ले लेंगे। और अलाउंस स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, लेकिन जिन लोगों पर स्पेसिफिक अलाउंस लें उनका पूरा बैलेंस, बेशक अलाउंस कम बनता हो उनका पूरा बैलेंस जनरल अलाउंस के लिए अलहदा कर देते हैं और फिर जनरल अलाउंस लेते हैं, और जो हमारे अलाउंस का टोटल बनता है क्लोजिंग वो हमारा क्लोजिंग बनता है स्पेसिफिक अलाउंस प्लस जनरल अलाउंस, तो दोनों अलाउंस को हम टोटल करके क्लोजिंग अलाउंस लेते हैं और उस क्लोजिंग अलाउंस को अपने टी अकाउंट में लिखते हैं और उस क्लोजिंग अलाउंस को हम एसओएफपी में अपने रिसीवेबल से लेस करा देते हैं। फिर क्लोजिंग अलाउंस को ओपनिंग अलाउंस से कंपेयर करते हैं, अगर इंक्रीजिंग अलाउंस है तो वो हमारे बैड डेट एक्सपेंस को बढ़ा देता है, और अगर वो डिक्रीज इन अलाउंस है, जैसे ओपनिंग 1 लाख तक क्लोजिंग 87,500 है, तो डिक्रीज इन अलाउंस 12,500 है, बज़ाहिर बैड डेट एक्सपेंस 50,000 थे लेकिन अलाउंस डिक्रीज हुआ 12,500 से, तो पीएनएल में 50,000 एक्सपेंस नहीं गया बल्कि कितना गया, 37,500 गया। और इससे वो हमारी बात प्रूव हो गई कि अलाउंस इंक्रीज हो तो हमारे बैड डेट एक्सपेंस को बढ़ाता है और अलाउंस डिक्रीज हो तो हमारे बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट को क्या करता है, कम करता है। तो यू कैन से इंक्रीज इन अलाउंस इज एन एक्सपेंस और डिक्रीज इन अलाउंस हमारी क्या होती है, इनकम होती है। ये ओवरऑल जी हमारे पास पिक्चर थी बैड एंड डाउटफुल डेट्स की, जिससे हमने कैलकुलेट किया कि अलाउंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग अलाउंस को कंपेयर करें तो बैलेंसिंग हमेशा बैड डेट एक्सपेंस में जाता है। बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में दो चीजें हो सकती हैं, बैड डेट्स इटसेल्फ हो सकता है
और अलाउंस होगा, इंक्रीज इन अलाउंस होगा तो वो बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट को बढ़ाएगा, बैड डेट एक्सपेंस को बढ़ाएगा, और अगर डिक्रीज इन अलाउंस होगा तो हमारे बैड डेट एक्सपेंस को कम करेगा। अलाउंस का बैलेंसिंग हमेशा बैड डेट एक्सपेंस में जाता है और बैड डेट एक्सपेंस का बैलेंसिंग हमेशा पीएनएल में जाता है। और जो अलाउंस होते हैं वो हम रिसीवेबल से एसओएफपी के फेस पे लेस कराते हैं। अलाउंस कभी रिसीवेबल के अकाउंट में नहीं आता, अलाउंस कभी रिसीवेबल के अकाउंट में नहीं आता, अलाउंस अलाउंस हमेशा फेस पर आता है बराह रास्त एसओएफपी में, अलाउंस कभी रिसीवेबल में नहीं होता। बैड डेट्स रिसीवेबल में होते हैं क्योंकि ये वो रिसीवेबल होते हैं आपको लगता है अब नहीं मिलेंगे, तो बैड डेट्स हमेशा रिसीवेबल से लेस होते हैं। बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन जो अलाउंस होते हैं वो रिसीवेबल में नहीं आते, जो अलाउंस होते हैं वो रिसीवेबल में नहीं आते। आप अलाउंस अलहदा से कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग अलाउंस आप कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग से कंपेयर करते हैं, इंक्रीज इन अलाउंस या डिक्रीज इन अलाउंस, जो भी बैलेंसिंग होगा वो बैड डेट एक्सपेंस में जाएगा। अलाउंस रिसीवेबल का कभी हिस्सा नहीं होता, अलाउंस का ताल्लुक इंक्रीज हो या डिक्रीज हो वो हमेशा बैड डेट एक्सपेंस के साथ होता है, इसका रिसीवेबल के अकाउंट में अकाउंट फॉर नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ जी, जरा देखें, जब हमारा अलाउंस इंक्रीज हुआ था, जब हमारा अलाउंस इंक्रीज हुआ था तो हमने कहा था जी हमारा ओपनिंग अलाउंस नील है, ओपनिंग अलाउंस नील था और क्लोजिंग अलाउंस आ रहा था 87,500, तो हमने कहा जी हैवी साइड का टोटल करें 87,500, और ये अलाउंस का अकाउंट था, इधर हमने लिखा 87,500 और हमने देखा कि बैलेंसिंग बना 87,500 और अलाउंस का बैलेंसिंग हमेशा जाता है बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट इसको क्रेडिट कर रहा है तो खुद क्या होगा डेबिट, ओपनिंग अलाउंस नील क्लोजिंग 87,500, तो ये हमारा क्या है इंक्रीज इन अलाउंस, क्या है ये इंक्रीज इन अलाउंस, तो इंक्रीज इन अलाउंस की एंट्री क्या होगी, इंक्रीज इन अलाउंस, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट इसको क्रेडिट कर रहा है तो खुद डेबिट होगा, तो इंक्रीज इन अलाउंस की एंट्री होगी बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 87,500 और क्रेडिट किसको करेंगे अलाउंस, अलाउंस बढ़ रहा है, ओपनिंग नील था क्लोजिंग 87 है, और हमने अभी कहा था कि अलाउंस की नेचर क्रेडिट होती है, तो अलाउंस हमारा क्रेडिट हो जाएगा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा हो जाएगा 87,500। तो इंक्रीज इन अलाउंस की क्या एंट्री होगी, ओपनिंग अलाउंस नील क्लोजिंग 87,500, बैलेंसिंग बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट इसको क्रेडिट कर रहे तो खुद क्या होगा डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगी इंक्रीज इन अलाउंस की बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट। अभी हमने यहां एक और एंट्री सीखी, ओपनिंग हमने कहा था अलाउंस 100,000 है, क्लोजिंग 87,500 है, तो बैलेंसिंग हमने निकाला 12,500 और अलाउंस का बैलेंसिंग जाएगा बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट इसको डेबिट कर रहा है तो खुद क्या होगा क्रेडिट होगा, तो इसका मतलब है डिक्रीज इन अलाउंस की क्या एंट्री बनेगी, डिक्रीज इन अलाउंस, डिक्रीज इन अलाउंस की एंट्री बनेगी कि बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट इसको डेबिट कर रहा है तो खुद क्रेडिट होगा, तो अलाउंस डेबिट हो जाएगा, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट हो जाएगा 12,500 से, और जो हमारे पास बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट है, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट है वो हो जाएंगे 12,500 से क्रेडिट। तो जब अलाउंस इंक्रीज करता है तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट होते हैं, और जब अलाउंस डिक्रीज करता है तो बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट होता है, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और एक्सपेंस जब कम होता है तो क्या होता है क्रेडिट होता है। तो ये हमारे पास अलाउंस की और रिसीवेबल की कंबाइंड स्टोरी ये थी। इसमें एक बात और भी हो सकती है, इसमें एक बात हो सकती है बैड डेट्स रिकवरी की, कि अगर आपको बैड डेट्स रिकवर हो जाए तो फिर आप क्या एंट्री करेंगे,